हमारे देश में छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं, जिनकी हकीकत जानने के लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल लगे रहते हैं। ऐसा एक चमत्कार अपने भरतपुर के गादौली गांव में देखने को मिला, जहां पे कई सालों से बंद कुआं अचानक पानी देने लगा और लोग उसे भगवान का चमत्कार मानने लगे। तो पूरी हकीकत जानने के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया तो पाया बहुत सारे कुएं कई सालों से बंद पड़े वो भी पानी देने लग गए और कई वीडियो उनके नाम पे बनाए जा चुके हैं। तो चमत्कार देखने के लिए मैं पहुंच गया गादौली गांव में, तो जहां आपको दिखाते हैं पूरा वाक्या क्या हुआ। यह घटना 13/12/2022 की बताई जाती है, जहां बहुत दिन से सरकारी स्कूल में बना कुआं अचानक आवाज़ करने लगा और इसका पूरा कूड़ा नीचे चला गया। तो एक बालिका ने बताया कि नंदी महाराज इस पर बाथरूम करने के गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे अचानक पानी की आवाज़ आने लगी, बुलबुले उठने लगे और लोग इसके भगवान का चमत्कार मानकर इसकी पूजा करने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पानी पीने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, कुछ असाध्य रोग की बीमारी भी दूर हो गई है। तो यहाँ पे यह सुनकर मंगलवार और शनिवार को मेला लगने लग गया, लोग बोतलों में पानी भर भर के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे करीब 25 किलोमीटर गादौली गांव में, जहाँ पे कुएं में पानी निकल रहा है, चमत्कारी कुआं बता रहे हैं और मैं मोहित जा रहे हैं सच्चाई का पता लगाने कैसा पानी है या वास्तव में रियल है या फेक है। बहुत दूर दूर से आदमी आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अभी गादौली और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसा चमत्कारी पानी है। और मैं हूँ अभी सेवल वाले हाईवे पे, ये है आगरा और ये जयपुर और यहाँ से चलेंगे सीधे। चले भाई मोहित। ओके ओके, तो हम दोनों चल दिए हैं गादौली गाँव। तो आपको बताएंगे रियल में है या फेक है पानी। तो ये हमारे ग्लव्स पहन लिए हैं, तो चलते हैं हर हर महादेव। तो ये है आगरा जयपुर हाईवे, हाईवे 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 और यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ेगा जयपुर वाले रोड पे, पेरसल मोड लिख रहा है एक, और उस पे पेरसल से हमें जाना गादौली। इसको लगा लेता हूँ, हवा आ रही है और सर्दी भाई साहब बहुत है, भयंकर सर्दी है और ऐसी सर्दी है। मोहित ने कहा था कि भैया वो गादौली में, गादौली गांव है कोई, वहाँ पे कुएं में से पानी निकला है। मैंने कहा हाँ ये तो मालूम है, तो चले वहाँ पे। मैंने चलते हैं चल, तो आज हम जा रहे हैं और टाइम हो गया 3, हम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो मैंने चलो इस बहाने राइड भी हो जाएगी हमारी, हमें तो बाइक चलाने का बहाना चाहिए, बाइक चलाने का। तो अभी हम आ चुके हैं पेरसल गादौली हसनपुर, ये बोर्ड लग रहा है, इधर से मुड़ना है और करीब हम 20 किलोमीटर चल चुके हैं। डेहरा मोड़ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है और पीछे ट्रैफिक बहुत है भाई, हाथ दे देना। पुलिस थाना लखनपुर। तो ये पानी भर के प्रसाद लेके आ रहे हैं ना, ये पानी भर के ला रहे का है। तो ये देखो गाड़ी भर भर के आ रही है। तो यहाँ से है गादौली 3 किलोमीटर, पेरसल 1 किलोमीटर, तो लाइन लग रही है गाड़ियों की। और लोकेशन देख सकते हो, खेत इस टाइम खेत में सरसों ही सरसों हो रही है पूरे में और चारों तरफ आनंद ले सकते हो जगह का। तो ये ले जाकर आ रहे हैं पानी, पानी वाले हैं सब हम पे। तो ये आ गए हम गादौली गांव, जनसंख्या 2247, कोई ज़्यादा जनसंख्या नहीं है गांव में। और घुसते ही ये बैठेंगे करब और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादौली। इका जी ने बोतल रख रखी है, बोतल बिछ रही हैं, बोतल बिक रही हैं यहाँ पे, बोतल बिक रही हैं आप देख सकते हो है ना। घुसते ही और चनौरी भी रख रखी है, अगरबत्ती धूप है ना, तो घुसते ही आपको बोतल मिल जाएंगे। इधर लो, अच्छा पपेरा कुंभेर ब्रश टेंट सप्लाई। तो अरे साहब, तो ये बोतल बिक रही है देख सकते हो, जैसे गोवर्धन परिक्रमा में आ गए हम।
ये देखो ये देखो, यहाँ भी बोतल मिल रही है। अरे यार इनको तो धंधा चल गया तो गांव गाँव की तो मौज हो गई। सीधा ही राइट, अरे ने तो पूरे महीना का बोतल इकट्ठी कर ली, तो जगह जगह बोतल ले लेके बैठे हैं। अगरबत्ती धूप, ये बोतल हर दुकान में मिलेगी बोतल तो। ये देखिए बाजार खुल गया, बस यहीं घुसा दूं। अरे हम पार्किंग अलग है, हैं? चल फ्री पार्किंग है तो यहाँ पे पहले से ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। 8:34, 8:29। देखो प्रसाद यहाँ पे बिक रहा है प्रसाद, और ये है रास्ता चमत्कारी कुएं का। मंगलवार शनिवार को दर्शनार्थ मिले हैं। तो यहाँ पे इकाई तो भर रहे हैं, समर्थ भर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर समर से ये भर देते हैं। और एक एक बाल्टी में थोड़ा थोड़ा सा, कुआं से निकाल, एक बाल्टी कुआं से लगा के, और दो दो चार दो छः सात ड्रम। और ये है कुआं, तो आपको दिखाते हैं अंदर से कुआं कितना गहरा हो गया है। पहले तो ऊपर पानी आ गया था, ये निकाल रहे हैं बाल्टी से। और ये है मंदिर यहाँ पे, ये तो पुराना मंदिर है, तो ये चमत्कारी कुआ। अच्छा दो फन जा पड़े मेरो चले जाएगा। अब साफ कह सके, अब गंगा में बुला रही होगी तो चले जाएगा। छोड़ के देखो पहले एक बार दिखाते रहो दिखाते रहो। पहले तो ऊपर तक आगो पानी है। हाँ हाँ, हाँ। ले वो धरती को लेवल नीचे और पानी ऊपर, अब नीचे ले वो बहुत। परमात्मा नहीं है तू, पवित्र रहेगा वो। यहाँ पे कड़ुआ बना ले। तो ये नई टाइल लगी मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये मंदिर, हाँ हाँ, प्रसाद ही प्रसाद खेल रहा है यहाँ पे। काय का मंदिर है भाई साहब, तो अंदर है भगवान श्री राम का मंदिर, और चारों तरफ प्रसाद ही प्रसाद फैल रहा है, साफ करा नहीं। तो दोस्तों ये है चमत्कारी कुआं, और जो बना रखा है इन्होंने, अब इसका पानी नीचे चला गया है, इसमें भर रहे हैं समर से पानी। इसमें थोड़ा बहुत मिला देते हैं पानी, देख सकते हो ये भर रहा है। और यहाँ पर भीड़ लगी है, तो बता रहे थे मंगलवार को और शनिवार को बहुत तगड़ी भीड़ लगी रहती है। हवन चल रहा है, प्रसाद फैल रहा है। पास में मंदिर भगवान श्री राम का और कृष्ण का, ये देख सकते हो मंदिर। और ये गांव गादौली, तो निकलते हैं फिर यहाँ से। ये काम भैया बताएंगे। अच्छा पहले जो चलाया है मम्मी, हाँ डंडा, तीन दिन लगाने के बाद फेंक दिया डंडा, डंडा फेंक दिया। यहाँ कोई झूठ का काम नहीं, नहीं और का चाहिए तो इकार करना है। तो हमने भर लिए एक बोतल पानी, हम भी ले जा रहे हैं। चले भाई साहब, कह रहा हूँ भैया खिलौना की दुकान खुल गई भाई साहब। ये देख ये तो मेला लग गया गांव में, तो शाम को यहाँ ताला लग जाता है, लड़ाई हो जाती है, पानी भर भर के ले जाते हैं, ताला लगा देते हैं। और ये देखो बच्चे बेच रहे हैं प्रसाद, चमत्कारी कुआं। अरे वाह, इन्होंने लिख दिया चमत्कारी कुआं परिक्रमा मार्ग, अभी लिख रहे हैं, नए नए लिख रहे हैं, तो पेंटिंग से सब जगह लिख देंगे चमत्कारी कुआं। बहुत लोग आ रहे हैं। 2 hours later.
तो वापस आ चुके हैं और आज सर्दी बहुत थी तो हमारी कुल्फी जम गई थी। तो आपको पूरा फैक्ट बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुएं से अगर जा रहे हो पानी लेने तो कुएं का पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। वहाँ 6 ड्रम रख रखे हैं बड़े बड़े, कुएं के एक बाल्टी पानी निकालते हैं और 6 ड्रम में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, उस ड्रमों का पानी आपको बोतलों भर के दे देंगे। तो पहले जो चलता था तो कुएं का पानी जिसमें शायद पोटेशियम मैग्नेट जो धरती में से आया होगा उसकी वजह से वो फ़ायदा कर रहा था बीमारियों में, शायद चर्म रोग में। विशेषज्ञ बताते हैं, कुछ ऐसे भी बताते हैं कि हाँ कुछ अंदरूनी जल स्रोत फूट जाते हैं जिनकी कभी कभी बुलबुले उठ के पानी आने लग जाता है, और फिर वो पानी आपने ख़त्म कर दिया, पूरा गांव के ले गए भर भर के टैंकर भर लिए उन्होंने, किसी ने ड्रम भर लिए, तो पानी ख़त्म होता गया धीरे धीरे, पर कुएं का पानी ऐसे ख़त्म नहीं होता। अब वो पानी बिल्कुल नीचे चला जाए तो अब उसको ढक दिया गया जाल लगा के, किसी को पानी नहीं दे रहे, एक बाल्टी निकालते हैं और ड्रमों को मैं हल्का हल्का डाल के आपको बोतल भर के दे देते हैं। तो वहाँ पे पूजा भी चल रही है और मेला भी लग गया है, मंगल शनिवार को वहाँ पे मेला लग गया है, पास में था मंदिर और स्कूल था पुराना, तो उसमें ये कुआ है। अगर आप जा रहे हो तो आपको बता दूँ जानकारी लिए, आपको कुएं का पानी नहीं मिलेगा, आपको ड्रम वाला जो समरसेल से पानी आ रहा है वो उसमें कुएं का पानी मिला के दे रहे हैं। तो हो सकता है आपके रोग दूर हो गए हैं, किसी के हो गए हैं पीने से, या बहुत से बता रहे थे, तो मैं ये नहीं मानता कि नहीं हुए, क्योंकि पानी में कुछ ना कुछ गुण थे जो कुएं के नीचे से धरती के स्रोतों के साथ आए थे, तो उसकी वजह से कुछ फ़ायदा मिला, अब वो बिल्कुल नीचे चला गया है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जगह, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।